हेलो एवरीवन, आई एम फैजी खान, द फाउंडर ऑफ ख्यालों की उड़ान. और हाल ही में मेरा एक इवेंट हुआ था, स्टोरीज ऑफ द पॉ. तो मुझे लगा कि ये सब लोग हमारी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मायने रखते हैं, तो क्यों ना उनके लिए कुछ लिखा जाए. सो हियर वी गो. हाँ, मैं वही पंजा जो ज़िंदगी में आपको कुछ नया ज़रूर सिखा के जाता है. शुरुआती वक्त में आप इस पंजे को थामते हैं, सहारा देते हैं, और फिर पूरी ज़िंदगी वो आपका हाथ हर जश्न और मायूसी में थाम लेता है. सुना है मैंने अपने साथियों से कि हमारी और इंसान की उम्र करीबन बराबर होती है, बस हमारी थोड़ी नपीतुली होती है. तुम्हारी उम्र 70, 80, 90, 100, जिसमें ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा चीज़ों को समझने में, अपने सही गलत चुनने में, अपने आप से हुई लड़ाई सुलझाने में ही निकल जाता है. और जब तक ज़िंदगी की असली मायने समझ में आते हैं कि ज़िंदगी मोहब्बत का नाम है अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से, और ज़िंदगी के आखिर में जब यादों का ज़खीरा निकालते हो ना, तब महसूस करते हो कि ज़िंदगी तो सिर्फ मोहब्बत का नाम है. अरे, ये तो हमें पैदाइशी शुरुआती दिनों में ही पता चल जाता है. इसीलिए हमारी उम्र थोड़ी कम होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि मोहब्बत के तो कुछ साल ही काफ़ी होते हैं. मैं आपको कभी कॉलोनी के गेट के बाहर दिखूँगा जब आप अपनी बेटी को स्कूल बस में छोड़ने जाते हैं. मैं आपसे बिना किसी रिश्ते के लिपट जाता हूँ. आप छुड़ाते हैं कि अरे नहीं, रोए लग जाएंगे, अभी ऑफिस जाना है. फिर भी जब आपको ज़िंदगी की मायूसी घेर लेती है और आप उस कॉलोनी में अकेले चल रहे होते हैं, तो मैं चुपचाप आपके साथ चल देता हूँ, सिर्फ यही सोचते हुए कि साथ चलने से शायद आपका गम थोड़ा कम हो जाए. कभी मैं आपके घर की पेप्सी हूँ, तो कभी आपके साथ खेलती हूँ, तो कभी आपके बचपन की जैकी हूँ जिसको आप हर रात कान में सुनाया करते थे. कभी मैं वो हूँ जिसने आपका हर एक दौर देखा है. कभी मैं आपकी फैमिली का नटखट बच्चा हूँ, तो कभी वो सैल. पर मान लीजिए ज़िंदगी में आपसे कोई बेइंतहा प्यार और वफादारी रखता है, तो वो हूँ मैं. भले ही घर के अंदर या दूर सड़क या कहीं पार्क में, मैं ही हूँ जिसे आप कभी भी बात कर सकते हैं. मेरे कुछ खास अपॉइंटमेंट्स नहीं होते. मैं आपके साथ हमेशा हूँ, अपने पंजे से आपके हाथ थामे हुए, अपने तरीके से ज़िंदगी की गहराइयाँ समझाते हुए, आपका सबसे अच्छा दोस्त.